तो एक नई हिंडा मूवी का फाइनली प्रीमियर हो गया, जिसका नाम होने वाला है लव मॉकटेल। और इसका रिव्यू मैं खुद बहुत टाइम से करना चाह रहा था, क्योंकि यार मूवी को मैंने मिस किया था, उसके बाद भी देख नहीं पाया किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जाके। पर हाँ, फाइनली आज देख लिया इसको हिंदी में, और इसी का करेंगे रिव्यू पर इस इंट्रो के बाद। तो अगर आपको पहले इसके स्टार कास्ट के बारे में बता दें, तो उसमें देखिए मिलने वाले हैं डार्लिंग कृष्णा, उसके बाद मिलाना नागराज, और इन सब भी कुछ और भी एक्टर्स देखने को मिलती हैं पूरे मूवी में। अब बात निकल के आती है इसकी पूरी कहानी क्या है। तो स्टोरी यार 2 साल आगे से चालू होती है। अगर आपने पहले पार्ट 1 को देख रखा है तो आपको पता है कि यार पार्ट 1 में क्या हुआ था, और 2 साल बाद जब उसकी वाइफ मर जाती है उसके बाद की ये कहानी दिखाई गई है कि उसके बाद की लाइफ उसकी किस तरीके से बीतती है, और दोबारा वो क्या शादी करेगा नहीं करेगा, इन सब बातों के बारे में। अब अगर आपको पूरी तरीके से स्टोरी को जानना है देखना है तो आपको मूवी को देखना पड़ेगा। पर हाँ, अगर आप देखिए प्लान कर रहे हो जाने के बारे में सोच रहे हो तो 2 मिनट यार पहले वीडियो में रुक जाओ, पहले सुनो स्टोरी कैसे लगने वाली है, स्क्रीन प्ले कैसा है, बैकग्राउंड स्कोर कैसा है, एक्टिंग कैसे देखने को मिलेगी, प्लस पूरी की पूरी मूवी कैसी है। तो अगर पहले बात कर ले इसकी कहानी के बारे में, तो देखो यार जब मैंने इसका पार्ट 1 देखा था लगभग 2 साल पहले, और मेरा वो पहला यार दूसरा रिव्यू था मतलब इस चैनल पे, और उस टाइम मैंने उस मूवी के बारे में बोला था कि मूवी यार परफेक्ट है, खासतौर पर बहुत अच्छे तरीके से उसके पूरी स्टोरी को रखा गया था, बहुत अच्छे तरीके से उस मूवी के कैरेक्टर को डेवलप किया गया था, और वही काम इस मूवी में ही होता है। मूवी स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत स्लो लग सकती है, पर जिस तरीके से आगे चल के इसके कैरेक्टर निकल के आते हैं पुराने वाले, और उसके बाद मूवी में जो आपका इंटरेस्ट बनेगा लास्ट तक लूज नहीं होगा, वो इंटरेस्ट बहुत अच्छा बनता है। मतलब कि यार ऑडियंस कनेक्शन यार बहुत अच्छा बनता है आगे चल के इस पूरे मूवी में, और वो आपको पसंद आएगा। पूरी स्टोरी है उसको अगर एक शब्द में बोलना तो हाँ डिसेंट है, अपने सिक्वल इतनी अच्छी तो नहीं है, पर अपने सिक्वल को बर्बाद नहीं होने देती है और उसको बचा लेती है, उसकी इज्जत बचा लेती है एक तरीके से। स्टोरी को जिस तरीके से रखा जाता है वो प्रेजेंटिंग का तरीका आपको ओके ओके लग सकता है, डिसेंट है, स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत स्लो है, बाद में उसमें अच्छे से काम किया गया, थोड़ा टाइम लेके हर कैरेक्टर को सेट किया गया था, जो इसके लिए थोड़ा बहुत माइनस पॉइंट भी है और प्लस पॉइंट भी है। अगर थोड़ा बहुत आप पेशेंस रखोगे तो आगे चल के ये मूवी आपको पसंद आएगी। इसके पार्ट 2 के बारे में बोल रहा हूँ, पार्ट 1 तो भाई अच्छा ही था। जो इसका स्क्रीन प्ले फर्स्ट हाफ मेरे को ओके ओके लगा, सेकंड हाफ यार बवाल टाइप है पसंद आया मुझे। वहाँ पे मूवी आपको बहुत कुछ अच्छा दिखाएगी और इसकी गारंटी है सेकंड हाफ पे जाके, फर्स्ट हाफ पे थोड़ा सा वेट कर लेना बस। मूवी का जो पूरा वीजियम था वो मतलब A1 क्लास का था, थोड़ा सा कहीं कहीं लाउड होगा पर आप पसंद आएगा। मतलब यार ओवरऑल जो पूरा वीजियम है वो शानदार है, क्लासिक है और उसकी तारीफ करोगे। प्रोडक्शन वैल्यू वाइज भी यार मूवी अच्छी है, आप शानदार ही बोलने वाले हो। पूरे स्क्रीन प्ले में जो सस्पेंस और ट्विस्ट निकल के आते हैं, कई जगह जो स्टोरी टर्न करती है और वहाँ पे जो सरप्राइज निकल के आता है वो भी आपको पसंद आएगा। बात कर ले एक्टिंग के बारे में, तो डार्लिंग कृष्णा काम पहले जैसे ही अच्छा है, उनकी आप तारीफ करोगे, और इनसे लग भी जो एक्ट्रेस थी उन सब का काम भी आपको पसंद आने वाला है। लगभग काम सभी का अच्छा है और उनकी आप तारीफ करोगे। एक्टिंग पहले जैसी शानदार देखने को मिलने वाली है पूरी स्टार कास्ट की तरफ से। तो ओवरऑल अगर बात करना इस पूरे फिल्म के बारे में और हिंदी डबिंग के बारे में, तो हिंदी डबिंग यार अच्छी कराई है बिफोर मूवी ने और उसकी भी आप तारीफ करोगे, कुछ खराब सुनने को नहीं मिलेगा। और ओवरऑल मूवी भी अच्छी है, अपने सिक्वल की इज्जत बजा लेती है, अपने पहले पार्ट की इज्जत बजा लेती है, और तारीफ करोगे देखने के बाद कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। थोड़ा सा पेशेंस रखोगे तो आगे चल के कुछ अच्छा देखने को मिलता है और उसके आप तारीफ करोगे। मूवी अपनी कहानी वाइज तो डिसेंट है, पर स्क्रीन प्ले लगभग यार अच्छा था सेकंड हाफ में जाके, तो एक बार यार जाके देख सकते हो अगर आपने पहले पार्ट 1 को देखा है तो, नहीं तो भाई छोड़ सकते हो, अब आगे आपकी मर्जी है। बाकी अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। मुझे मूवी अच्छी लगी, पसंद आई।